हेलो गाइस, मैं हूं सार्थक कपूर। ये है ए टू जेड मार्केटिंग सीरीज और आज का हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरियल मार्केटिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये टर्म जो है एंटरप्रेन्योरियल मार्केटिंग, ये सुनने में बहुत कूल लग रहा है ना। ये एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड लग रहा है, स्टार्टअप से रिलेटेड टर्म लग रही है। एक्चुअली ये है भी ये। इस टाइप की मार्केटिंग में क्या होता है, जैसे स्टार्टअप्स अपनी नई नई टाइप की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज निकालते हैं, ये वो है। इस टाइप की मार्केटिंग में हम कोई अलग स्ट्रैटेजी नहीं पढ़ेंगे कि हम कैसे अपनी ब्रांड को मार्केट कर सकते हैं, बट हम ये देखेंगे कि जो स्टार्टअप्स होते हैं उनका सोचने का तरीका क्या होता है, वो किस टाइप से अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। जैसे अगर हम नॉर्मल ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें, बहुत सारे ऐसे बोर्ड मेंबर्स बैठते हैं, वो ये देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, हमारे कंज्यूमर को क्या चीज़ चाहिए होगी, वो ये गेस करने की कोशिश करते हैं। वो ये फिर देखते हैं क्या चीज़ सही रहेगी, क्या चीज़ गलत रहेगी, तो घंटों तक इन बारे में मीटिंग होती है और लास्ट में जाकर उनका कैंपेन निकलता है। बट अगर हम स्टार्टअप्स की बात करके चले तो ज़रूरी तो नहीं है कि स्टार्टअप्स की ऐसे बहुत बड़ी बड़ी टीम हो। तो ऐसे छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, उनके 3-4 लोग होते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी, और भी कम लोग होंगे। वो देखेंगे यार, अपने डायरेक्टली कंज्यूमर के पास वो जाते हैं, वो देखते हैं कि कंज्यूमर को जो चाहिए हम वही प्रोवाइड करेंगे, हमारा मार्केटिंग कैंपेन भी वही होगा जो हमारा कंज्यूमर चाहता है। तो अगर हम स्टार्टअप्स को ऐसे बड़ी बड़ी मार्केटिंग फर्म्स के साथ कंपेयर करें तो ये पता चलेगा कि इस टाइप की मार्केटिंग में स्टार्टअप्स ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। स्टार्टअप्स कहते हैं कि हम अगर जहाँ रिस्क भी लेंगे, हम अपनी ब्रांड के बारे में कुछ ऐसा ही बता रहे हैं जो थोड़ा सा हटके है, लोगों को हमारी ब्रांड से कनेक्ट फील होगा। हमें नहीं करना, पूरे ऐसे दुनिया को हमें टारगेट नहीं करना। अभी हमारा फर्स्ट स्टेप है कि जो लोग ऐसे हैं जिनको हमारी ब्रांड के से बहुत प्यार है, हमें उन लोगों को इकट्ठा करना है। जैसे अगर आप एप्पल की बात लेके चलो तो अब तो एप्पल बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी हो चुकी है, उसके फैन बेस आपको हर जगह मिल जाएंगे। बट जब एप्पल ने स्टार्टिंग करी थी तो उनका टारगेट ये था कि हमें कुछ ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनानी है जो बहुत ज़्यादा टेक सेवी हो, जो इनोवेशन की केयर करते हैं। तो उस टाइम पर उनका ये मोटिव नहीं था कि पूरी पूरी दुनिया को हम टारगेट करेंगे। और जो फर्स्ट स्टेप था वो ये था कि पहले ऐसी कम्युनिटी बनाए, थोड़े लोगों की कम्युनिटी हो जो एक्चुअली केयर करते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हम उनको क्या प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली जो एंटरप्रेन्योरियल मार्केटिंग है, इसमें यही होता है, हम जहाँ रिस्क लेते हैं हम अपने डायरेक्टली कंज्यूमर के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं भाई आप बताओ आपको क्या चाहिए। हमारा प्रोडक्ट भी एकदम वैसे होगा जो आपकी नीड्स के लिए एकदम बनाओ, और जो हमारा मार्केटिंग कैंपेन है वो भी एकदम वही होगा जैसा हमारा कंज्यूमर चाहता है, हम एकदम वो चीज़ बनाएंगे। जैसे इस टाइप की मार्केटिंग में अगर कोई न्यूज़ के अंदर कोई बहुत ट्रेंडी टॉपिक आया या सब लोग अगर किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो हमारी फर्म है वो क्या करेगी, वो भी उसी से रिलेटेड कोई कंटेंट बनाएगी। जैसे अगर मैं जोमेटो की बात लेके चलूँ तो कोई भी नई चीज़ हो रही होगी वो उसके ऊपर कोई ना कोई अपनी मीम बना देगी और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको शेयर करेगी। जोमेटो कहता है कि भाई जैसे जैसे हमारे नए नए ट्रेंडी टॉपिक्स आ रहे हैं उसके हिसाब से अपना कंटेंट बनाएंगी कि जो हमारा कस्टमर है वो हमसे हमेशा कनेक्टेड रहे। हम यही चीज़ करते हैं एंटरप्रेन्योरियल मार्केटिंग के अंदर। हम ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं बट हम अपने कस्टमर के साथ पूरा कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। कस्टमर को लगे यार ये वो ब्रांड है जो एकदम मेरे को समझती है, जो एकदम जानती है कि मैं उससे चाहता क्या हूँ। जैसे अगर हम डेल की बात लेके चले, जब डेल ने अपनी स्टार्टिंग करी थी तो वो एक बहुत छोटा सा स्टार्टअप था। उस टाइम पर 1980s के अंदर बहुत अलग लोग कंप्यूटर सेल करते थे, बट डेल ने कहा हमें कुछ तो ऐसा करना होगा जो एकदम हटके हो, जो लोगों ने आज तक सोचा ना हो। उस टाइम पे क्या होता था कि अगर आपको कंप्यूटर लेना है तो एक कंपनी अलग है, वो कंपनी के अलग बहुत सारे रिटेलर्स जो होते हैं वो अपने कंप्यूटर उनको देती थी, एंड फाइनली जाके आप रिटेलर से लेते थे। डेल ने कहा हमें मिडिल मैन नहीं चाहिए, हम मिडिल मैन को एकदम हटा देंगे, हम डायरेक्टली अपने कंज्यूमर के पास जाएंगे और अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। उस टाइम पे बिजनेस कंप्यूटर्स जो होते थे, बिजनेसेस ज़्यादा कंप्यूटर्स लेते थे एज कम्पेयर टू पर्सनल कंप्यूटर्स। तो डेल ने क्या किया, डायरेक्टली वो बिजनेसेस के पास जाते थे, वो उनसे पूछते थे कि आपकी नीड्स क्या है, आप क्या चाहते हो कंप्यूटर में, क्या आप चाहते हो जहाँ प्रोसेसिंग पावर, तो हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली आप जो भी चीज़ चाहते हो हमारा जो कंप्यूटर होगा हम एकदम वैसा बनाएंगे आपकी नीड्स के लिए। तो उसने बाकी कंपटीशन को एकदम हिला के रख दिया था कि जितने भी बिजनेसेस थे वो कहते ठीक है यार हम जैसा कंप्यूटर चाहते हैं डेल हमें एकदम वैसा कंप्यूटर प्रोवाइड करेगा, तो किसी और के पास जाते नहीं थे। उसके बाद धीरे धीरे इधर 1990s में पर्सनल कंप्यूटर का वहाँ पर ट्रेंड बढ़ा, तो डेल वालों ने क्या किया, जिसमें नॉर्मल बेसिक काम होते हैं या जैसे कोई स्टूडेंट है या कोई बंदा बहुत टेक सेवी है उसके लिए उन्होंने कंप्यूटर्स बनाना शुरू किया। उन्होंने अपना कंप्यूटर का जो थीम रखा वो ऐसे बंदों के लिए रखा जो एकदम पर्सनल कंप्यूटर्स का यूज़ कर सकते हैं। उस टाइम पर उनके दिमाग में ये नहीं था हमें बिजनेसेस को सेल करने हैं, ये ऑफिसेस में रखे जाएंगे। उस टाइम पर उनका एम था कि हम अपने कंप्यूटर्स को थोड़ा ऐसा सुंदर बनाएंगे कि वो घरों के अंदर लोग रखने में ज्यादा कंफर्टेबल हो, और उस कंप्यूटर के अंदर हम ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें डालेंगे कि घर में भी लोग उसको यूज़ कर पाए और एक्चुअली उनके काम आए। उसके बाद उन्होंने एक जो अगला स्टेप उठाया वो ये उठाया, उन्होंने ये देखा कि जहाँ पे हमारे कंज्यूमर्स हैं, जहाँ पे वो टाइम स्पेंड करते हैं, हमें भी एकदम वहाँ पे जाना है। जैसे मैंने आपको बताया 80s के अंदर वो बिजनेसेस को कंप्यूटर सेल कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड शोज हैं, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन्स हैं, वहाँ पे अपनी एड चलाना शुरू किया। ट्रेड शोज में जाके वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे। उनका बेसिकली एम ये था
कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसेस के सीईओ हैं, वो जब वहाँ पे आके वो ट्रेड शोज अटेंड करेंगे, तो वहाँ पे अगर हमारा पूरा एक अलग से स्टॉल लगा होगा, अगर हम भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनको पता चलेगा अच्छा ऐसी भी कंपनी है जो डायरेक्टली बेच रही है, और वहाँ पे अपने कस्टमर्स के पास जाएंगे, मतलब बड़ी बड़े बिजनेसेस के सीईओस के पास जाएंगे और डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट उनको पिच करेंगे। तो उस टाइम के हिसाब से ये एकदम यूनिक चीज़ थी, क्योंकि पहले की ब्रांड्स ऐसा कर नहीं रही थी। तो उस टाइम की एकदम ऐसे रिस्की चीज़ मानी गई थी, ये जो स्टेप उठा रही है डेल, ये बहुत रिस्की स्टेप है। बट धीरे धीरे करके उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से किया कि जो उनकी पूरा मार्केट शेयर था, बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर डेल ने ग्राफ कर लिया। इस टाइप की मार्केटिंग में स्टार्टअप्स ये भी देखते हैं, जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट भी ऐसा बनाया है कि कंज्यूमर को उसको देखे तो उसको पसंद आ जाए। जैसे जब फर्स्ट आईफोन लॉन्च हुआ, तो जब स्टीव जॉब्स के पास एक फर्स्ट प्रोटोटाइप शो किया गया कि देखो हमने प्रोटोटाइप बनाया, स्टीव जॉब्स ने उसको चेक भी नहीं किया, उसको लिया और डायरेक्टली जो वाटर टैंक होता है उसमें डाल दिया, और उसने देखा कि वाटर टैंक के अंदर ऐसे बुलबुले निकल रहे हैं, तो अपने इंजीनियर्स को कहा कि अभी भी ये और पतला हो सकता है, इसके अंदर अभी भी एयर गैप्स हैं, जाओ इसको और पतला करके लो। तो बेसिकली वो स्टार्टअप्स की ऐसी थीम ये थी कि हमें ऐसा करना है कि आज तक कंज्यूमर ने चीज़ ही ना देखी हो, हम एकदम ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं जो पूरी मार्केट डिस्टर्ब कर दे। जैसे हमने डिस्ट्रप्टिव मार्केटिंग के अंदर देखा था, जैसे डॉलर शेप क्लब है, उन्होंने भी अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स ऐसे चलाए जैसा कंज्यूमर चाहता है। उन्होंने मार्केटिंग कैंपेन्स के अंदर ऐसे इंटरेस्टिंग वर्ड्स का यूज़ किया जैसा कंज्यूमर नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। अगर आप बड़ी बड़ी ब्रांड्स को देखो तो वो ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करती अपनी मार्केटिंग कैंपेन के अंदर, बट डॉलर शेप क्लब ने कहा जो हमारा कंज्यूमर है वो यूज़ करने में सारी चीज़ें कंफर्टेबल है, तो हम भी उनका यूज़ करेंगे, तो इससे उनकी ब्रांड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई। अगर हम आज के टाइम पे इसको और एग्जांपल लेके चलें, एक तो एक ब्रांड है द होल ट्रुथ करके, वो बेसिकली फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बट उन्होंने उसकी मार्केटिंग ऐसे ऐसी कर रखी है कि हम जैसे अपना प्रोडक्ट बनाएंगे आपको सारी की सारी जो सच्चाई है पूरी आपके सामने ला के रखेंगे, आपको एक्चुअली बताएंगे कि पीछे ट्रुथ क्या होती है। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर ओट्स यूज है, तो हम एक्चुअली बताएंगे कि कितना परसेंट ओट्स है। वो ब्रांड कहती है कि हम ये नहीं कह रहे कि हमारे ऐसे चॉकलेट बार के अंदर आपको शुगर नहीं मिलेगी, आपको फैट नहीं मिलेगा, फैट मिलेगा बट आलमंड से मिलेगा, या आपको शुगर मिलेगी तो इस चीज़ से मिलेगी, आर्टिफिशियल शुगर नहीं होगी। तो अपने ब्रांड के बारे में पूरी सच्चाई बताते हैं हमने कंज्यूमर्स को कि देखो ये एक्चुअल चीज़ है जो हम आपको दे रहे हैं। हम ऐसे दूसरे जूस प्रोडक्ट्स की तरह नहीं कर रहे कि आपको कह रहे हैं कि एकदम नेचुरल जूस से बना है वो उसके बाद में इतनी सारी अलग अलग चीज़ें डाल रहे हैं, हम जो आपको कह रहे हैं हम वही चीज़ आपको दे रहे हैं। तो ऐसी जो स्टार्टअप्स होते हैं जो अलग अलग टाइप की मार्केटिंग करते हैं, जो एकदम मार्केट में अपनी अलग ही पहचान बना लेते हैं, उन सारी टाइप की मार्केटिंग को कहते हैं एंटरप्रेन्योरियल मार्केटिंग। गाइस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।